फिर ये मुल्लापुर का जो मेला है राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। इन लोगों का जो प्रोग्राम है तो फेल किया है। बुद्ध भगवान को पूरा देश नहीं पूरा विश्व जी की प्रतिमा बैठाने के कारण कितने लोगों को दिक्कत है। लोग जो है वो पूरे गांव को पूरे क्षेत्रवासी को घुमराह करके दुकान दबाव में बंद कराया जा रहा है ताकि यहाँ का मेला न लगे। नमस्कार, मैं हूँ विजय कुमार और आप देख रहे हैं TV24 न्यूज लाइव। इस वक्त मौजूद है हम आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव पड़ता है मुल्लापुर नथनभट्टी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दशहरे का समय आ चुका है। आपको पता है कि यूपी में जगह जगह बाजारों में जगह जगह गांवों में स्थानों पे मेला लगाया जाता है। ऐसे में कप्तानगंज थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है मुल्लापुर नथनभट्टी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर दो दिन मेला का आयोजन किया गया है। एक तो 23 तारीख को आज मेला है, हम लोग यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं। और यहाँ पे 23 तारीख को जो मेला का आयोजन किया गया है, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की जो कि मूर्ति स्थापित की गई है। क्यों स्थापित की गई, क्या प्रकरण है, हम लोग यहाँ पे जानने के लिए यहाँ के जो मेला के आयोजक जो आज के हैं जो दिवाकर मौर्य जी हैं, ये एक समाज सेवी के रूप में भी यहाँ पे जाने जाते हैं, इनसे बात करेंगे कि पूरा प्रकरण जो मेले का है वो क्या है। तो स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में आपका। नमस्कार सर, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूँ, आप लोगों का स्वागत करता हूँ, आप लोगों के माध्यम से तमाम जनता का स्वागत करता हूँ, तमाम क्षेत्रवासियों का स्वागत करते हुए मैं दिवाकर मौर्य अध्यक्ष मानव सेवा समिति। आज ये मुल्लापुर का मेला है जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, ये मुल्लापुर का जो मेला है ये एक तरह से राजनीति का अखाड़ा बन चुका है और इसको बनाने वाले थोड़े से लोग हैं जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, जैसे ग्राम प्रधान कौनधारी यादव, BDC मुख्तार अहमद, दीनानाथ गुप्ता, उनके पिताश्री हैं बालचंद गुप्ता, एक शिव कुमार है करके गौर, ऐसे थोड़े से लोग जो है वो तो पूरे गांव को पूरे क्षेत्रवासियों को गुमराह करके इस तरह का प्रयोजन किया इन लोगों ने कि मेले का आयोजन जो है दो दिन करवा दिया है। नहीं तो आज से पिछले कई वर्षों से आपने खुद देखा होगा और तमाम लोग देख रहे हैं यहाँ के लोग कि बराबर मेला सभी लोग शांतिपूर्वक मनाते हैं, कभी कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ, कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। पर इसको रणनीति के तहत अलग किया गया है कि ये गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं तो इनको अलग कर दिया जाए, हम लोग किसी और के समुदाय के लोग हैं हम लोग अलग रहेंगे। इस तरह से हम लोगों को जमाने से लोग बांटते आए हैं और आज भी बांटने का काम कर रहे हैं। तो इस चीज को लेकर के हम लोग जो है थाने पे गए तो थाने द्वारा एक हम लोगों को समझौता पत्र दिया गया जिसमें बाकायदा लिखा गया है कि 23 तारीख को आप लोग अपने मेले का और अपने आराध्य का पूजन कर सकेंगे। तो उसी के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं और तैयारियां कर ली है, लेकिन जो असामाजिक तत्व है जिनका हमने अभी नाम आपके सामने लिया है, ये लोग सुबह 5 बजे से और इससे पहले भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, दुकानदारों को भी गुमराह कर रहे हैं कि यहाँ मेला आज नहीं लगेगा, जबकि उनको पूरी अच्छी तरह से मालूम है कि मेला आज भी है और उन लोगों का मेला 26 तारीख को है, पर उन लोगों ने गुमराह करने का काम किया है। और हम लोगों ने पूरा संवैधानिक तरीके से आप देखेंगे परमिशन ले करके ये परमिशन आपका तहसील द्वारा दिया गया है और ये हमारे को तहसील ये थाने द्वारा प्राप्त हुआ है जिस पर भी सब लिखा हुआ है। इसके बावजूद आप देखेंगे कि दूर दूर तक दुकानें नजर नहीं आ रही। अच्छा, ये जानकारी भी प्राप्त हुई कि जो दुकानें मुल्लापुर की हैं वो बंद कर दी गई। जी, मुल्लापुर की दुकानों को बंद करने के लिए 3 दिन चलाई जा रही है, जो मैं नाम गिनाया हूँ इसमें एक दो लोग और हो सकते हैं, पर इन्हीं लोगों की वजह से दुकानें बंद कराई गई। इन लोगों ने दबाव दे करके दुकानों को बंद करवाया है। दुकान बंद कराई जा रही है, इन लोगों का मतलब है कि इन लोगों का जो प्रोग्राम है तो फेल किया जाए, इन लोगों का उत्साह तोड़ दिया जाए, गिरा दिया जाए, इन लोगों का आगे से ऐसा कोई प्रयोजन ना कर सके। पर हम लोग हार मानने वाले में से नहीं है, हम लोगों का पूजन होगा, जो भी दुकानदार आएंगे उनका हम लोग स्वागत करते हैं। आप लोग आए और यहाँ पे प्रशासन मौजूद है, आप दिखा सकते हैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा वैसा होने वाला नहीं है जैसा उन लोगों की मानसिकता है। तो इन लोगों द्वारा जो गुमराह किया जा रहा है उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। हो सकता है दुकानदारों को भड़काने में कामयाबी मिल जाए उनको, पर आने वाले टाइम में प्रतिवर्ष ऐसा ही जो प्रयोजन होगा हम लोग और तरीके से इसका प्रचार प्रसार करेंगे और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से मांग करते हैं कि जो हम लोगों के बीच में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। तो पुलिस प्रशासन का कैसा सहयोग रहा? नहीं, पुलिस प्रशासन से हमको पूरा सहयोग मिल रहा है, उन पर उंगली हम नहीं उठा सकते। शाम को भी हमने कॉल किया और तुरंत फोर्स आ गई और सुबह भी हमको फोर्स उपलब्ध हो गई, पर वो ऐसे लोग हैं कि उनके ऊपर भी मतलब बढ़ चढ़ करके बात कर लेते हैं।
तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी दबाव बना लेते हैं वो लोग। जी जैसा कि हमने देखा है, इनके द्वारा बताया गया कि जो मेले का आयोजन किया गया है वो दो दिन एक समझौते के तौर पर किया गया था कि जो मेला है वो दो दिन लगेगा, जिसमें 23 तारीख को और 26 तारीख को। ऐसे में किसी मामले को लेकर इन्होंने बताया कि दुकानों को बंद करा दिया गया है, जो मुल्लांपुर के कुछ लोगों का इन्होंने नाम बताया जो कि दुकानों को पूरी तरीके से बंद करा देगा, पूरी तरीके से शटडाउन है। एक बार दिखाइए तस्वीर, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र की मुल्लांपुर नत्थनपट्टी की तस्वीरें हैं, जहां पर आज मेले का आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार जो दुकानें तमाम है पूरी तरीके से शटडाउन किया गया है, शटर वगैरह जो है वो तमाम बंद है। आगे की तस्वीरें अभी हम आगे दिखाते हैं, कुछ लोग और भी इनसे भी बात करेंगे हम। राम बाबू ना मारा, आप मुल्लांपुर नत्थनपट्टी में आए, आपको जानकारी है कि मुल्लांपुर नत्थनपट्टी में मेला है? जी हाँ, ये जानकारी है कि आज यहाँ का मेला है। मेला दो साल से भी लगता था, यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा लगती थी, सारे लोग कम्प्रोमाइज करके एक रहती थी, यूनियन बना के अच्छा मेला लगता था। लेकिन यहाँ पे क्या रीजन हुआ है कि आज मेले को 23 तारीख का जो मेला गौतम बुद्ध जी का मेला लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसी दिक्कत हो रही कि ये लोग जगह जगह जाकर कह रहे हैं मेला 26 तारीख है, लेकिन हमारी जो विचारधारा सबकी अलग है। गौतम बुद्ध भगवान को पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता है, लेकिन सारे लोग जानते हैं, लेकिन आप गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा बैठाने के कारण कितने लोगों को दिक्कतें हो रही है। और हम लोग प्रशासन शासन से मिले तो तारीख रखी गई कि आज का मेला 23 तारीख को है और उनका मेला 26 तारीख है। कुछ लोगों द्वारा गांव के यहां बताया जा रहा है कि इस मेले में जो लोग आ रहे हैं मेले वालों को भगाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग 26 का मेला है। हम यही चाहते हैं कि आज के मेला यहाँ पर मेला लगेगा और साल मेला लगेगा, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम चाहते हैं कि आप देखिए मुल्लांपुर बाजार आज बंद है, बाजार क्यों बंद है इसका रीजन कुछ और हो सकता है, लोगों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूँ आप हर एक दुकानदार वालों से पूछिए कि आज दुकान क्यों बंद है, आपको नहीं पता है दुकान क्यों बंद है? देखिए कुछ लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि दुकानें दबाव में बंद कराया जा रहा है ताकि यहाँ के मेला ना लगे, गौतम बुद्ध जी का प्रोग्राम निरस्त हो जाए, यही कारण है। जी तो देख सकते हैं आप, इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो मेला है ये 23 तारीख को है, जिसमें गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीर दिखाइए, यहाँ पर जो पंडाल बना हुआ है गौतम बुद्ध जी का पंडाल बना हुआ है, यहाँ पर पूरे तरीके से जो तमाम मेला वाले यहाँ पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रशासन पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, मौके पर आया हुआ है। कप्तानगंज थाना पड़ता है आजमगढ़ जिले में, और मेले को लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से जो कि प्रशासन की तैयारियां हैं पूरी तरीके से अलर्ट है प्रशासन अपने अनुसार। और यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया कि जो मेला रखा गया था इसमें कुछ लोगों के द्वारा जो दुकानें हैं वो बंद कराई गई हैं। फिलहाल मामला क्या है ये तो जांच का विषय बना हुआ है कि जो दुकान बंद करवाने में किसका हाथ है और कौन इस पे जोर दे रहा है कि आखिर ये दुकानें क्यों बंद कर दी, क्यों ये जो शटर है शटर डाउन क्यों किया गया है, ये सब जांच का विषय बना हुआ है। देख सकते हैं इस टाइम हम मुल्लांपुर बाजार में है, और आप तस्वीरें दिखाइए एक बार चारों तरफ तस्वीर दिखाइए, जो दुकानें मुल्लांपुर नत्थनपट्टी की है ये आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में पड़ता है। आप देख सकते हैं जो दुकानें यहाँ पर पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया गया है। मामला क्या, कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि जो मेला दो दिन लगने वाला था 23 तारीख को मेला था और एक मेला 26 तारीख को, लेकिन कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया गया है कि जो मेला है वो 26 तारीख को लगेगा और जो कुछ मेला है वो 23 तारीख को लगेगा। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि जो मेला है वो 26 तारीख कुछ दोनों द्वारा बताया जा रहा है और लोगों को फोर्स करके दुकानें जो है वो बंद कराई गई है, शट डाउन कराया गया है। अभी कई लोगों ने आरोप ये भी लगाया है कि कुछ लोगों द्वारा जो दुकानें यहाँ पे आ रही हैं दुकानों को भगाया जा रहा है, उन लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि जो मेला है वो आज नहीं बल्कि 26 तारीख को है। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीर दिखाई एक बार, किस प्रकार जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मुल्लांपुर नत्थनपट्टी बाजार है जो कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र में पड़ता है, जिला यहाँ का यूपी के आजमगढ़ जिला है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पूरा मेला है यहाँ पे लगने वाला था 23 तारीख को और एक जो मेला लगेगा वो 26 तारीख को लगेगा। देख सकते हैं इधर दिखाइए तस्वीर दिखाइए इधर की, किस प्रकार जो दुकानें हैं यहाँ पर पूरी तरीके से, आप बताएंगे कुछ भैया? हम बता वाला के का बताए तो। अच्छा ये लोग दुकानें जो बंद किया काहे बंद कर दी? बंद करवा रहे हैं, तकलीफ कोई बंद किया है पता है कौन बंद करा रहा है? अरे तू ना जान, तुम्हारे गाँव के लोग होंगे उनकी बंद कराई बंद कराई। देख सकते हैं मतलब मामला क्या है, अभी तो जांच का विषय बना, आखिर कौन ये बंद करा रहा है, दुकानें क्यों बंद करा रहा है, क्या मामला है, ये जो दुकानें हैं वो किस तरीके से बंद हुई हैं, अब दिखाइए तस्वीर किस तरह की जो दुकानें हैं उधर दिखाइए, जो दुकानें हैं पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। मामला क्या है, पूरा मामला जो है कि जांच का विषय बना हुआ। अब देखना ये होगा कि अपनी जो दुकानें ये बंद कराई गई हैं तो क्यों बंद कराई गई, दुकानें कब खुलती हैं, और फिलहाल ये तो पूरा का पूरा जो मामला है वो जांच का विषय बना हुआ है। और देखने वाली बात ये होगी कि जो यहाँ का मेला है वो इसमें स्थानीय जो प्रशासन है वो यहाँ पर अलर्ट है, स्थानीय जो पुलिस है कप्तानगंज थाना क्षेत्र जो पड़ता है वो यहाँ पर आया हुआ है और पूरी तरीके से मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। मैं विजय कुमार, कप्तानगंज, आजमगढ़, TV24 न्यूज़ लाइव, कैमरामैन विशाल किशार।